टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, आई बटन एंड स्क्रीन, वो भी स्मार्टफोन से, ये सभी काम आप कर सकते हो विदाउट किसी पीसी के। और दोस्तों अपने वीडियो को सर्च में फर्स्ट लाना, अपने वीडियो को रिकमेंडेशन में पहुंचाना और वीडियो के रीच बढ़ाना, ये सभी काम कैसे किया जाता है, सही तरीका क्या होता है वीडियो अपलोड करने का। दोस्तों अगर आप सोचते हो कि वीडियो अपलोड करने के बाद चलेगी, नहीं दोस्तों, उसके पहले आपको बहुत कुछ काम करना रहता है। अगर दोस्तों आपने वो काम नहीं किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका वीडियो है कुकिंग वाला और आपने एसईओ अच्छे से नहीं किया, तो वो अगर रिकमेंडेशन करेगी पॉलिटिशियन के पास, तो वो आपका वीडियो क्यों देखेगा। दोस्तों अगर आप बच्चों के लिए कॉन्टेंट बनाते हो और दोस्तों वो कॉन्टेंट जा रहा है बड़ों के लिए, तो आपका कॉन्टेंट कौन देखेगा। सही तरीका वीडियो अपलोड करने का आज के वीडियो में आप सीखोगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी वीडियो को रिच बढ़ाने के लिए सर्च में कैसे लाए, रिकमेंडेशन में कैसे पहुंचाए, सारी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप किसी से ये नहीं पूछोगे भाई ये सेटिंग में यस करना चाहिए, वो सेटिंग में नो करना चाहिए, मतलब सही ऑडियंस कौन सी है मेरी, किस ऑप्शन को यस करना चाहिए, किस ऑप्शन को नो करना चाहिए, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, कुल मिला के ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बता रहा हूँ। और दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये वाला वीडियो देखो। सो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, मेरा एक नहीं दो नहीं पूरे टैग्स वर्क कर रहे हैं और फर्स्ट पर रैंक कर रहे हैं, और यहाँ आपको ये वाला वीडियो में जितने भी टैग्स हैं सारे टैग्स वर्क कर रहे हैं, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है और उसके पिछले भी वीडियो अपलोड किए हैं। ये वाला वीडियो देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं ए टू जेड सभी टैग्स वर्क कर रहे हैं। भाई टैग्स वर्क करेंगे तो आपको हमेशा व्यूज आता रहेगा, व्यूज आएगा तो ऐड आएगी, ऐड आएगी तो आपकी अर्निंग होगी। अगर दोस्तों आपके व्यूज डाउन जाते हैं तो समझ जाइए आपके कोई मतलब नहीं है वीडियो अपलोड करने का। तो हमेशा अगर आपको व्यूज पाना है, वीडियो को सर्च में लाना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करना, 100% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप बिल्कुल पूरा ए टू जेड पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों मुझे पता है कि ज्यादातर यूट्यूबर मोबाइल ही यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको सारे काम बताऊंगा मोबाइल से। जी हां दोस्तों, सारा काम आप कर सकते हो स्मार्टफोन से, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को नया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। मेरा नाम आशीष खान, आप देख रहे हैं जी डेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। और दोस्तों ध्यान से देखना है कि हमें स्किप नहीं करना, जो भी स्किप करने वाला है अभी इस वीडियो को छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं यूट्यूब में अपना। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अब चलेंगे हम होम स्क्रीन पर, यहाँ पर इसके बाद में आपको यूट्यूब को खोल लेना है। यूट्यूब को खोलने के बाद आपको प्लस के अकाउंट पर क्लिक करना है, अपलोड अ वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर वो वीडियो चूज करना है जिस भी वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो। इसके बाद में आपको यहीं पर दोस्तों लोग बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, इसकी वजह से उनका जो वीडियो है वो कितना भी अच्छा बना हो वो वायरल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, सर्च में क्यों नहीं आता, इसके लिए सबसे पहले आपको टाइटल को समझना होगा। टाइटल क्या होता है, टाइटल बेसिकली आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए और यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बताने के लिए कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा चैनल कैसे बनाए, चैनल कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे बनाया जाता है, चैनल कैसे बनाए मोबाइल से, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल ऑन मोबाइल, मतलब ये सभी चीज़ें मैं लिखूंगा हिंदी और इंग्लिश में। और लिखने का भी तरीका भी बहुत अनोखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने लिख तो दिया है लेकिन कैसे लिखा है, आपको ध्यान से देखिए इसमें बहुत सी बारीकियाँ हैं, आप ये समझिए पहले। तो सबसे पहले मैंने लिखा हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, ये मैंने लिखा इंग्लिश में, नंबर वन पहले लेटर को मैंने कैपिटल लिखा। ये क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों जो दिखता है ना वो हाईलाइट दिखता है, ये मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और नंबर टू यहां पर मैंने एक वाक्य खत्म हुआ, इसका मतलब ये है कि मैंने हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल ये खत्म हो गया टैग्स, इसके बाद में ये कॉमा लगाया, कॉमा सॉरी यहां पर एक डंडे टाइप का इस तरीके का लगा दी, ये यहां से लगाया जाता है, यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया और यहां पर क्लिक करने के बाद ये लगा दिया, ठीक है। यहां पर डबल भी लगा सकते हैं सिंगल। इसके बाद में दूसरा टैग्स क्या होता है, चैनल कैसे बनाए, ये मैंने हिंदी में लिखा है, मेक अ यूट्यूब चैनल ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर आपको हमेशा रहना है, क्योंकि दो तरीके से लोग सर्च करते हैं वही आपको यहां पर, लेकिन आपको अगर लिखना नहीं आता कैसे लिखते हैं। और यहां पर मैंने एट द रेट मनोज दे कैसे लगाया, मतलब ये वीडियो अगर मैं किसी को डेडिकेटेड करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले एट द रेट लगाऊंगा, एट द रेट लगाने के बाद यहां पर मैं उसका नाम लिखूंगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मनोज दे, तो मनीष दे को यहाँ पर मैंने टैग कर दिया, इसको मतलब होता है टैग करना। और वीडियो अपलोड करने से पहले ये काम आपको पहले कर लेना है, ये क्यों करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना ऑप्शन, यहाँ से आप थंबनेल लगा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले थंबनेल लगाना है, उसके बाद में आपको वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो आपने टाइटल लिखा है ना, इसको सबसे पहले आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर एड टू डिस्क्रिप्शन इसमें आपको जरूर से डालना है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको जरूर से डालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये सब काम
आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको नीचे दोस्तों किसी को टाइटल लिखना नहीं आता, मतलब सर्च कैसे करें, सही से टाइटल कैसे लिखें, उसके लिए आपको बैक करना है यहाँ पर। मतलब टाइटल आपको कैसा लिखना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, लोग कैसे सर्च करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे होगा, वो यहीं से होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, टर्न ऑन इनकोग इनटू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये फ्रेश नया ऐप बन चुका है, इसको आप सर्च बार में आओगे इस यहाँ पर आपको पता चलेगा लोग कैसे कैसे सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाउ टू, यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू, तो यहाँ पर मैंने ओनली हाउ टू लिखा है। इसके बाद मैं क्रिएट लिखता हूँ, तो हाउ टू क्रिएट लिखा है, इसके बाद में पूरा लिखा हुआ आ गया हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। ये इंग्लिश का एक टैग्स है दोस्तों, अगर दोस्तों आप भी कुछ सर्च करते हो तो यहीं पर आपको टैग्स दिखते होंगे और आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देखने लगते हैं। तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने यही टैग्स को यूज़ किया है। और इसको अब हम हिंदी में टैप करेंगे, हिंदी में कैसे करेंगे, चैनल कैसे बनाएं। तो ये मैंने लिखा चैनल कैसे बनाएं, तो इसके बाद नीचे आपको पूरा लिखा गया चैनल कैसे बनाएं यूट्यूब पर, चैनल कैसे बनाएं यूट्यूब, चैनल कैसे बनाएं मनोज देव, चैनल कैसे बनाएं 2022। मतलब ये सभी टैग्स हैं, और इम्पोर्टेंट बात, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ये क्यों रखना है और आगे क्या आपको काम आएगा, वेट करिए, आपको सभी चीज़ें पता चलेंगी। बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये सब लिखना है, ये क्यों लिखना है, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से सर्च करके देखिए, नीचे जो टैग्स आ रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्यों आ रहे हैं और ये क्या फ़ायदा करेंगे आपको, वेट करिए, आपको पता है। ये सभी काम करके आपको पता चल जाएगा कि टाइटल क्या डालना है, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लोग किस तरीके से सर्च करते हैं। इसको टर्न ऑन की जगह टर्न ऑफ कर देना है। अब हमारा काम ये ख़त्म हो चुका है, अब हमारा काम आता है वीडियो को अपलोड करना। तो प्लस के अकाउंट पर आएंगे, अपलोड वीडियो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको वो वीडियो चूज़ कर लेना है, तो चलिए फटाफट से कर लेता हूँ। तो ये वीडियो मैंने चूज़ कर लिया है, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दूंगा। अब दोस्तों ये मैंने लिखा है वही टाइटल लिखा है जो मैंने वहाँ पर सर्च किया था। और दोस्तों आपको यहाँ पर थंबनेल जरूर लगाना है, थंबनेल लगाओगे, ये क्यों लगाना है, और इसको सबसे पहले कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत से काम किए हैं, वो काम क्या किए हैं आपको अभी पता चलेगा। नंबर वन, यहाँ पर मैंने जो टाइटल लिखा है वही यहाँ पर कॉपी किया है। नंबर टू, यहाँ पर मैंने अपने सोशल मीडियाज की जो हैंडल्स हैं उनको बताया है, रिलेटेड कंटेंट लिखकर मैंने यहाँ पर लिंक्स दी है, यानी कि यहाँ पर मैं दूसरे वीडियो का लिंक दे सकता हूँ। अगर किसी को मेरा एक वीडियो पसंद आता है उसी टॉपिक पर मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, तो यहीं से मैं उनको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, व्यूवर्स भागेगा नहीं, आपका व्यूवर्स बन जाएगा। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं दे दूंगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है, यूअर क्वेरी सॉल्व, ये क्यों लिखना है दोस्तों, ये कहां से लिखा मैंने इतना सारा, ये कहां से लाया मैं, जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना दोस्तों, उसी का मैंने यहां पर, उसी के टैग्स को यहां पर कॉपी करके यहां पर डाला है। वही कॉपी करके टैग्स आपको डालना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई यूट्यूब सर्च में वही चीज आ रही है ना, तो वही डालोगे ना, उसी पर आपको वीडियो रैंक करवाना है, तो ये सब आपको वो डालना है। इसके बाद में नेक्स्ट, आपको जो हैशटैग दिख रही है, हैशटैग लगाना बहुत जरूरी है, 3-4 से ज्यादा नहीं लगाइए, नहीं तो कुछ बड़े क्रिएटर्स का भर देते हैं, ये आपको गलत काम नहीं करना है। ये सब करने के बाद में आपको एक चैनल का जो हैशटैग है वो लगाना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, हैशटैग लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हैशटैग लगाओगे और टैग्स में, जी हाँ दोस्तों, टैग्स में टैग्स लगाओगे अपने चैनल का और हैशटैग लगाओगे, इससे ये होता है कि किसी ने आपका एक वीडियो देखा है तो वो आपका दूसरा वीडियो जरूर देखेगा। क्यों? क्योंकि सजेशन में आपका दूसरा वीडियो ही उसको दिखाई देगा, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि भाई इससे मिलता जुलती चीज क्या है, भाई आपके चैनल का नाम है, तो नाम की वजह से आपका दूसरा वीडियो भी दिखाई देगा, ये फायदा होता है। इसके बाद में आपको माय वेबसाइट की लिंक दे सकते हैं, माय सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स दे सकते हैं। इसके बाद में माय बेस्ट प्रोडक्ट, यहां पर आप एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं, इससे आप यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के लिंक दे सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह की, इससे आपको अर्निंग होगी। एफिलिएट लिंक बनाकर आप अदर सोशल मीडिया की भी लिंक लगा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एफिलिएट लिंक बनाना नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, से आप अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट्स की लिंक दी है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो यहाँ पर, इससे आपको एफिलिएट लिंक से आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ परसेंट मिल जाएंगे। इसके बाद में फॉर बिजनेस इंक्वायरी, ये दोस्तों इसलिए लिखना है क्योंकि स्पॉन्सर देने के लिए आपको यहीं पर सीधा मेल आएगा। और ध्यान रखें, ये चैनल की जीमेल नहीं होना चाहिए, ये अलग से जीमेल होना चाहिए बिजनेस वाली, लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर हैशटैग लिखकर आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग ये लिख देना है, ये प्रोफेशनल की तरह यूज होता है। ये सब लिखने के बाद में आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत काम कर दिया है और अब आपको अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले एक बात ध्यान रखना है, आपको कभी भी पब्लिश नहीं करना है। यहाँ पर विजिबिलिटी जो दिख रही है ना, इसको अनलिस्टेड करना है। ये क्यों रखना है, अभी आपको सब पता चल जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, एकदम से बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा तभी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो इसके बाद में आपको यहां पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको मैं अपलोड कर देता हूं।
ये सब मैंने पहले क्यों बताया, यानी कि ये सब टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सब पहले क्यों लिखना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको वो वीडियो शो हो जाएगा, ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होते समय यहाँ पर चेकिंग करता है यूट्यूब ये देखता है कि भाई आपका कैसा वीडियो है, आप क्या डाल रहे हो, किस ऑडियंस के लिए आपका वीडियो रहेगा, सही रहेगा, किस ऑडियंस के पास आपका वीडियो पहुँचाना है। अगर आप टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालोगे तो भाई यूट्यूब को पता कैसे चलेगा कि आपका कॉन्टेंट क्या है, किस ऑडियंस को आपका वीडियो दिखाना चाहिए, वो सेटिंग आपको यहीं से कर लेनी है। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आपका वीडियो जो है अपलोड हो रहा है, होते रहना है वीडियो को अपलोड। अभी आप यहाँ पर वाइट स्टूडियो से भी ये काम कर सकते हो, अदर काम। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो काम आप पीसी कंप्यूटर से कर सकते हो वही चीज़ आप मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन कैसे, बहुत सी सेटिंग होती हैं जो मोबाइल से नहीं होती हैं लेकिन मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन में हो जाती हैं, वो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है YouTube स्टूडियो डालकर जब आप सर्च करोगे तो पहले लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना है, यहीं पर लोग गलतियाँ कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि भाई पीसी की तरह खुल नहीं रहा है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन यूट्यूब, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पीसी की तरह आपका जो है पूरा डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगा, जिस तरीके से कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आप चलाते हो अपना यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हमारा खुल चुका है यूट्यूब चैनल। अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो वही आईडी से लॉग इन करना है, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा ओपन नहीं हो रहा, भाई आईडी से लॉग इन करोगे तभी तो होगा ना। अगर नहीं हो रहा तो थ्री डॉट पर जाइए, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड, इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर नहीं हो रहा है तो। इसके बाद में आपका यहाँ पर हो जाएगा ओपन। इसके बाद में आपको यहाँ पर कॉन्टेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा दोस्तों, वेट करिए। यहां पर मैंने सभी कुछ बता दे, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो अपलोड होने देते हैं, होने होते समय इसको आपको बहुत काम कर लेने हैं हो रहा है। इसके बाद में हम यहां से थंबनेल लगा सकते हैं, इसको प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं, भाई किस कैटेगरी में हमारा वीडियो है, मतलब हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, जैसे कि मैंने यहां पर फेसबुक मेक मनी, यूट्यूब टिप्स, यूट्यूब शॉर्ट टिप्स, न्यू अपडेट, यहां पर ये प्लेलिस्ट बनाई है, जिस भी प्लेलिस्ट में मैं डालना चाहता हूं तो यहां पर डाल सकता हूं। यूट्यूब वाली है तो मैं यूट्यूब पर लिखूंगा, डन कर दूंगा। इसके बाद में दिस वीडियो इस Set not made for kids, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत ऑडियंस के पास आपका वीडियो चला जाएगा। मान लीजिए आपने बच्चों के लिए कंटेंट बनाया है तो आपकी ऑडियंस बच्चों की हो गई, अगर आपने बड़ों के लिए कंटेंट बनाया है तो आपकी बड़ियों की ऑडियंस हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको नो करना है। अगर आपने बच्चों का कंटेंट नहीं बनाया है तो नो करना है, अगर आपने बच्चों का कंटेंट बनाया है तो यस करना है। यहीं पर लोग गलतियां कर देते हैं, बाद में बोलते हैं व्यूज नहीं आ रहा है, वॉच टाइम नहीं आ रहा, मतलब दोस्तों अगर मेड फॉर किड्स पर यस कर दिया तो आपका जो कमेंट है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि बच्चों के लिए कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए किड्स ऑप्शन में आपका कमेंट ऑफ हो जाएगा, ये बात याद रखना है, नहीं तो कई लोग कमेंट करते हैं, मतलब बहुत सी बातें करते हैं। इसके बाद में आपको सी मोर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नहीं तो आपको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई प्रमोशन किया है, यानी वीडियो पर किसी भी चीज़ को प्रमोट किया है, किसी भी ऐड की है, तो आपको यहाँ पर माई वीडियो कॉन्टेंट बी पेड प्रमोशन ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अगर आपने कोई भी प्रमोशन नहीं किया तो इसको हटा देना है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का रूल है, आपको 10 लाख रुपए लग सकते हैं अगर आपने कोई प्रमोशन किया है और ये वाला ऑप्शन नहीं किया है। इससे क्या होता है, आपके साइड में आई बटन पर आपको दिख जाता है कि आपने कोई पेड प्रमोशन किया है, व्यूवर्स से धोखा नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक चैप्टर, इसका मतलब क्या होता है जी, जो भी आपने टॉपिक बनाया है अगर चैप्टर वाइज बनाया है तो ऑटोमेटिक चैप्टर आ जाएंगे। यहाँ पर प्लेस, यानी कि कोई भी लोकेशन आपकी ऑटोमेटिक लग जाएगी जहाँ से आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, अलाउ ऑटोमेटिक प्लेस ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में नीचे आपका टैग्स आ जाएगा, टैग्स में क्या लगाना है, टैग्स में जो अभी हमने देखा था ना वही टैग्स लगाने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, मैंने चैनल लिखा, इसके बाद में एक कॉमा लगा देता हूँ, ये देखिए ये है कॉमा, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एंटर कर दिया, ये एक हमारा टैग्स लग चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको टैग्स लगाने हैं, टैग्स की संख्या आपको मिनिमम 500 होनी चाहिए। यहाँ पर याद रखना है आपको चैनल का टैग्स जरूर लगाना है, ठीक है दोस्तों, तभी आपका जो वीडियो है वो सजेशन में जाएगा, एक वीडियो अगर कोई देखेगा तो दूसरा वीडियो उसके पास जरूर जाएगा। लगभग यहाँ पर 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लिख कर कॉमा लगाते जाइए, आपका टैग्स लग जाएगा। हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, और दोस्तों जो हमने सर्च किया था ना, जो टाइटल में लिखा था वही आपको यहाँ पर लगाना है, कॉमा कर करके आप सभी टैग्स को एक एक करके लगा दीजिए। ठीक है, जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। इसके बाद में आपको वीडियो की लैंग्वेज चूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी तमिल वाले को आपको हिंदी वीडियो बताओगे तो उसको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसके लिए आपको वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है हिंदी, इसके बाद में आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज लिखना है इंग्लिश इंडिया। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई हम इंग्लिश में टाइप करते हैं लेकिन
रहता तो हिंदी में है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको भी हम KAISA, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग डेट अगर करना है तो यहाँ पर आप यस करके आप डेट कर सकते हैं। वीडियो की लोकेशन अगर आप डालना चाहते हो तो सर्च करके आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद हमें लाइसेंस, जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस हमेशा यही रखना है। अलाउ एम्बेडिंग, इसका मतलब ये है कि आप लिंक बना सकते हैं ये आपको। इसके बाद आपको कैटेगरी, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होती है, कैटेगरी लोग नहीं लगाते, इसकी वजह से उनका जो वीडियो है वो सही ऑडियंस के पास नहीं जाता है। आपको कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका भाई कॉमेडी वाला वीडियो है, स्पोर्ट वाला है, या फिर पेट एंड एनिमल, म्यूजिक, गेमिंग, मतलब अलग अलग कैटेगरी है, कॉमेडी, एजुकेशन, आप जो भी कैटेगरी के आपका वीडियो है उस भी कैटेगरी में आपका वीडियो डालना है, ठीक है। इसके बाद में आपको होल्ड कमेंट वगैरह कर देना है। ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना। हमारी सेटिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई बटन और एंड स्क्रीन है, वो कैसे लगाते हैं वेट करिए, मैं आपको बता देता हूँ। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब वो वाला ऑप्शन खुलेगा। सो दोस्तों, हमारा फाइनली वीडियो अपलोड हो चुका है। अपलोड के बाद दोस्तों ये ऑप्शन खुलते हैं, जी हाँ दोस्तों, अपलोड के बाद ही खुलते हैं ये ऑप्शन, आई कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। आई कार्ड पर आप क्लिक करोगे तो आपको आई बटन लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। वो कैसे, यहाँ पर एक एरो रहता है, इसको आप यहाँ पर करिए और वीडियो प्ले करके देख लीजिए। जिस भी पॉइंट पर आपने बोला है कि भाई यहाँ पर आई बटन है, वहाँ पर जाइए। इसके बाद में आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करिए। तो जैसे कि ये वाले वीडियो लगाना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये आई बटन लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आई बटन आ रहा है। इसके बाद में आप सेव पर क्लिक कर दीजिए तो ये आई बटन आ जाएगा। अब दोस्तों एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा एंड स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐसा ऑप्शन आएगा, इसको भी आप यहां वहां करके देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये यहां पर बोला है कि ये भाई ये वीडियो आप देखना बहुत जरूरी है, तो यहां पर मैंने ये वीडियो ऑटोमेटिक लग चुकी है। अगर नहीं लगती है तो आप यहां पर डिलीट, अगर आप अलग से लगाना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस करो, आइए वीडियो सिलेक्ट करिए, जैसे कि ये वाला वीडियो है, आप ये वाला वीडियो इधर उधर करके देख सकते हैं। इसके बाद में सेव पर आपको क्लिक कर देना है। आपको फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है, अब आप वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश कैसे करोगे, यहाँ पर विजिबिलिटी पर आकर यहाँ पर आपको पब्लिश करना है, लेकिन अभी नहीं करना। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी, यहाँ पर जब तक HD और SD यहाँ पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती वीडियो अपलोड करने के आधे घंटे बाद आपको पब्लिश करना है। इसलिए करना है क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम में ये फिट हो जाता है, तो आधे घंटे के बाद ही आपको वीडियो को पब्लिश करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके नीचे आपको पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक कर दीजिए। अभी मुझको नहीं करना, इसलिए मैं अंडू कर देता हूँ इसको। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर चैनल पर एड्स लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करिए मोनेटाइजेशन के सेक्शन पर, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको मोनेटाइजेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। ये मैंने ऑन कर लिया, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया, इसके बाद में सबमिट कर दिया, ठीक है। ये मेरा जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को अपलोड करने का बिल्कुल सही तरीका। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, आई बटन एंड स्क्रीन सभी कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी और 100% गाइडेंस के साथ बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपने ये सभी स्टेप को सही तरीके से फॉलो किया, हर वीडियो में ये स्टेप आपको फॉलो करते गए, तो एक ना एक वीडियो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा चलेगा कि भाई आप उससे वॉच टाइम, सब्सक्राइबर सभी कुछ गेन कर लोगे, आपका चैनल बूस्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो प्लेलिस्ट दिख रही है ना भाई, ये वाली प्लेलिस्ट आपको जरूर से देखना चाहिए। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो इसमें मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन पूरी दी हुई है भाई। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया की तरह सारा काम करना सीख जाओगे। और दोस्तों ये वीडियो जो है फेसबुक वाली, मतलब इजी बनी बने वीडियो को आप फेसबुक पर अपलोड करके पैसा कमा सकते हो, तो इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे डब्बे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।